हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। फिर से एक बार आपका जीडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योमेट्री का अगला पार्ट। अगर आपको ज्योमेट्री जीरो लेवल से सीखनी है तो आपको क्या करना होगा, हमारे पार्ट नंबर एक से ज्योमेट्री देखना होगा, तभी आप जाकर ज्योमेट्री को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना है, और अपने छोटे बड़े भाई बहनों में और जितना हो सके ग्रुप में, जितना भी ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तीन सीधी रेखाएं एक्स वाई तथा जेड एक दूसरे को समांतर है, यानी एक्स वाई जेड आपस में क्या है, समांतर है, इक्वल है, समांतर है, तथा कोणों का मान चित्र में दिया गया है, तो ए ई बी का मान क्या होगा। ए ई बी यानी हमारे को किसका मान चाहिए, इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर ये वाली एक्स वाली और वाई वाली रेखा आपस में समांतर है तो डी और बी ये क्या रहेगी, इसकी ट्रांसफर लाइन रहेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। तो यहाँ से ये वाला एंगल कितना रहेगा, जेड की आकृति का होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर वाई और जेड समांतर है तो ये इसे ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये शीर्षाभिमि कोण बनेगा, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 40 डिग्री रहेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 70 डिग्री रहेगा। तो इस वाले त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि 50 और 40 इस वाले कोण का मान होगा और 70 इस वाले कोण का मान होगा, तो इस वाले एंगल का मान हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 70 और 50 और 40 कितना रहेगा, 160 डिग्री रहेगा। तो जो शेष एंगल बच गया वो कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं ए ई बी एंगल का मान कितना होगा, 20 डिग्री होगा, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चित्र में सी ई लंब है ए बी पर, जो सी और ई, सी ई लंब है ए बी पर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी पर क्या डाला गया है, लंब। लंब हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ए सी ई कितना है, 20 डिग्री। ए सी ई कितना है, 20 डिग्री, तथा ए बी डी कितना है, 50 डिग्री है, तो बी डी ए यानी हमारे को क्या चाहिए, इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है, 20 डिग्री। तो इस वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 50 डिग्री है और ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हमें मान किसका चाहिए, बी डी ए का मान हमें चाहिए जो कितना है, 60 डिग्री है। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 60 डिग्री होगा, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दिए गए चित्र में ए सी समांतर है बी डी के, इसके समांतर है, बी डी के समांतर है, ए ई समांतर है बी एफ के। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, समांतर। अगर सी ए को आगे बढ़ा लिया जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी ए और डी बी आपस में समांतर है, तो ये इसे क्या रहेगी, इसकी क्या रहेगी, ट्रांसफर लाइन रहेगी। अगर ये 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 50 डिग्री होगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा, इस वाले एंगल का मान 70 डिग्री होगा। तो 70 डिग्री होगा, 60, 70 और 50 कितना होगा, 180। तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा, 180 होगा। इसी प्रकार ई ए लाइन को आगे बढ़ा लिया जाए या रेखा को आगे बढ़ा लिया जाए तो बी एफ ए ई आपस में क्या है, समांतर है, तो इसकी ये ट्रांसफर लाइन रहेगी। तो ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 110 डिग्री का होगा। जो अक्ष का मान होगा कितना होगा, 110 डिग्री होगा। तो जो अक्ष का मान रहेगा कितना रहेगा, 110 डिग्री रहेगा, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, जो ए बी समांतर है किसके, सी डी के, तथा ई एफ समांतर है डी क्यू के, किसके, डी क्यू के। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या है, समांतर। पी डी क्यू किसका मान चाहिए, पी डी क्यू यानी इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है तो ये 34 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितना रहेगा, 34 डिग्री रहेगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 34 डिग्री रहेगा। तो सीधी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ये 34 है, ये 78 है, 78 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, 68 डिग्री रहेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा,
ये वाली लाइन अगर आपस में समांतर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, आपस में समान रहेगा। तो ये इसकी ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये 68 डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगा, 68 डिग्री रहेगा। तो हमें मान किसका चाहिए, एंगल पी डी क्यू, पी डी क्यू का मान कितना होगा, 68 डिग्री रहेगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। निम्न चित्र में यदि आर क्यू जेड दुगुना है एंगल क्यू आर एस का, जो आर क्यू जेड है वह आर क्यू जेड एंगल दुगुना है किसका, क्यू आर जेड का, तथा पी क्यू समांतर है एस टी का, तो एंगल आर क्यू जेड का मान ज्ञात करो। आर क्यू जेड यानी ये वाला एंगल हमें चाहिए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इस वाली रेखा को आगे बढ़ा लिया जाए और इस वाली रेखा को भी आगे बढ़ा लिया जाए तो एक सीधी रेखा पर बनने वाला एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा। तो ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा अगर समांतर है तो ये इसे ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये एकांतर कोण बनेगा। ये वाला अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 100 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 20 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमें मान किसका चाहिए, क्यू आर जेड, जेड आर क्यू जेड इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें मान क्या दे रखा है, आर क्यू जेड दुगुना है किसका, एंगल क्यू आर एस का दुगुना है। तो हमारे पास क्यू आर एस कितना है, क्यू आर एस कितना है, 20 डिग्री है। तो हम यहाँ से रख सकते हैं एंगल आर क्यू जेड का मान कितना होगा, तो हम यहाँ पे 2 × और क्यू आर एस का मान कितना है, क्यू आर एस का मान कितना है, 20 डिग्री है। तो हम यहाँ रख सकते हैं तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो आर क्यू जेड हमें मान किसका चाहिए, आर क्यू जेड, तो आर क्यू जेड का मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो आर क्यू जेड का मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दिए गए चित्र में पी आर समांतर है टी एस के, तो पी आर समांतर है टी एस के, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, समांतर है। पी यू समांतर है आर एस के, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या है, समांतर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर पी आर और टी एस आपस में समांतर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है, तो इसे ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, ये वाली रेखा इसकी क्या रहेगी, ट्रांसवर्स लाइन रहेगी। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है और इसे ये ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये जेड की आकृति में बनने वाला एंगल आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। और एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल 70 डिग्री होगा। तो हमें मान किसका चाहिए, TPU यानी इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए, TPU एंगल TPU का मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो एक क्वेश्चन, ए बी एक सीधी रेखा है, सी एक बिंदु है जिसकी ए बी से दूरी 3 सेंटीमीटर है, ए बी से 1 सेंटीमीटर दूरी है, सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो बिंदु की संख्या ज्ञात करो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, आप हमें कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने बड़े भाई बहनों में, मित्रों में, ग्रुप में जितना ज़्यादा हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।